हे पेट कीपर्स, वेलकम टू मिस्टर पेट्स वाला। और आज हमारे पास जो एक ब्यूटीफुल बर्ड है वो है एक कोकोनट लॉरीकेट। कोकोनट लॉरीकेट जो है वो रेनबो लॉरीकेट का ही एक सब स्पीसीज कहा जाता है। रेनबो लॉरीकेट जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, बट ये जो स्पेसिफिक बर्ड है ये इंडोनेशियन आइलैंड्स में पाए जाते हैं। इस बर्ड की अगर हम बात करें, ये अभी जुवेनाइल बर्ड है, जैसे कि ये 2.5 मंथ ओल्ड बर्ड है। इसका बीक आप देख सकते हो, थोड़ा सा लाइट इन ऑरेंज कलर है। जैसे जैसे ये बर्ड बड़ा होते जाएगा, इसका बीक का कलरेशन जो है वो चेंज होके डार्क रेड कलर हो जाएगा। और जब ये बर्ड एकदम यंग होते हैं तो इनके बीक का कलर ब्लैक होता है, तो उसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपका जो बर्ड है वो कितना एज का होगा। बर्ड के अगर हम कलर्स की बात करें तो बर्ड काफ़ी कलरफुल होता है। आप देख सकते हो इसके अंदर ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है। इसके चेस्ट की मार्किंग भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। विंग्स के अंदर का कलरेशन देख सकते हो, काफ़ी विविड कलर्स हैं इनके अंदर में। और बात करें इनके केज साइज की, तो इनको जो है 2 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट और 1.5 फीट विड्थ, एक सिंगल बर्ड के लिए मिनिमम केज साइज है ये। आप जितना बड़ा केज बर्ड को दोगे उतना बर्ड आपका हैप्पी रहेगा। बर्ड को आपको स्ट्रेस फ्री रखना है तो बर्ड के साथ में आपको डेली एटलीस्ट 1 आवर स्पेंड करना चाहिए। बर्ड के साथ में आपको एक बॉन्डिंग बनानी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बर्ड का ट्रस्ट गेन करो। बर्ड आपके साथ में बहुत ही फ्रेंडली रहेगा। बर्ड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए केज के अंदर में बहुत सारे टॉयज देने ज़रूरी है, जैसे कि वुडन टॉयज, च्यूइंग टॉयज। और इनको एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है, तो आप फॉरेजिंग टॉयज जो होते हैं वो बर्ड को दे सकते हो। आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी सारी वेराइटीज़ है बर्ड के, मतलब खेलने के लिए। आपको मैं एक टॉय के साथ में बर्ड को इंट्रोड्यूस करके दिखा देता हूँ। गो, आप देख सकते हो ये बर्ड अभी कितने अच्छे से इस पर बैठा हुआ है। ये आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हो घर के अंदर में, ताकि आपके बर्ड को इसको एक्सप्लोर करने मिल जाए। और बात करते हैं बर्ड के टोटली डाइट के बारे में। सो बर्ड का जो डाइट है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी बर्ड से। बाकी जो पैरेट फैमिलीज में बर्ड्स आते हैं उनके डाइट में आप उनको फ्रूट्स और सीड मिक्स दे सकते हो, बट ये स्पेसिफिक बर्ड को हम चाहेंगे कि आप सीड्स अवॉइड करें। इनको जो है नेक्टर ईटिंग बर्ड कहा जाता है। ये लिक्विड फूड्स पे रेज होते हैं, जैसे वाइल्ड में ये जो बर्ड रहते हैं वहाँ पे ये सिर्फ फ्रूट्स पे रेज होते हैं। तो इनके लिए आपको रेडी फूड्स आते हैं, जैसे कि हम आपको बता दें ये है वर्सल लगा का न्यूट्री बर्ड लॉरी। तो ये जो लॉरी फूड है इसको आपको पानी में मिक्स करके देना होता है, आपको गर्म पानी में मिक्स करना होता है इस फूड को, और प्रिपेयर करके जो है इनके केज में आपको रखना होता है। ये बर्ड खुद ही वो खा जाते हैं। और आप इनके लिए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स दे सकते हो, जिसमें सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं या वाटरी फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे वाटरमेलन, पपाया, एप्पल, पियर, ये सारे फ्रूट जो है आप इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और बात करते हैं इनके बिहेवियर की, तो काफ़ी फ्रेंडली बर्ड होते हैं। इनकी वोकैबलरी भी होती है, ये 10 to 15 वर्ड्स वोकैबलरी रख सकते हैं, मतलब आप इनको टॉकिंग करना जो है वो सिखा सकते हो। ये बर्ड काफ़ी अच्छा मिमिक करते हैं और बॉन्डिंग बहुत अच्छा करते हैं। आप अगर इनका वॉकिंग स्टाइल देखो तो ये हॉक करके चलने वाले बर्ड्स हैं, जैसे काइक्स होते हैं वैसे ही ये भी बर्ड जो है हॉक करके चलते हैं। और दूसरा चीज़ जो है, इनको खेलना बहुत पसंद है, तो आप अगर ये बर्ड लेते हो तो इनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिएगा। आप देख सकते हो इस बर्ड को मैं कैसे भी चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, काफ़ी फ्रेंडली बर्ड है। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये फुल इन साइज़ है, अभी 2.5 मंथ ओल्ड है, टोटली सेल्फ फिटिंग बर्ड है। इस बर्ड की और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। और ऐसे ही अलग अलग बर्ड्स, अलग अलग एनिमल्स के वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा। जैसे ही हमारे वीडियो पे या हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, हम एक स्पेशल गिव अवे करेंगे। हमारे जो भी बेस्ट सब्सक्राइबर्स रहेंगे, जिनके कमेंट्स अच्छे होंगे, अभी से हम कमेंट्स सिलेक्ट करते जाएंगे। जो भी बेस्ट 50 कस्टमर्स होंगे उनको हम गिव अवे देने वाले हैं। तो देखते रहिए मिस्टर पेट्स वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।